Hello students, I am Ajipal sir from Vekanand School Bani. Yesterday we discussion about the inertia. Okay, we start the chapter next chapter force and law of motion. In this chapter we discussion about the dynamics of force. Okay, next is type of force like balance or unbalanced force, and next concept is inertia. Okay, you know about the inertia. Inertia is the inability of a body to change by itself. Okay. एक बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो अपने आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर पाती, दैट इज द इनर्शिया. ओके, तो इनर्शिया के भी आगे टाइप होते हैं, तो नेक्स्ट हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द इनहेरेंट इनहेरेंट मंत्र छुपी हुई उसके अंदर, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है. ओके, कोई भी बॉडी है रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो रेस्ट से अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी, तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं कि वो रेस्ट में रहने का उसका इनर्शिया है. ओके, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी. नेक्स्ट है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मान लो कोई मोशन के अंदर मूव कर रही है बॉडी, तो वो मूवमेंट के अंदर रहेगी, वो रेस्ट में नहीं आएंगी, दैट इज इनर्शिया मोशन. उसके अंदर मोशन का इनर्शिया, वो हमेशा मोशन ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा नहीं देते. ओके, नेक्स्ट है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट विच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मान लो किसी कोई बॉडी एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर ही जाना चाहती है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू, जिसके कारण, वर्चू मतलब जिसके कारण, ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स स्टे इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अंटिल अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट. बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो. न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर स्टे इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट के अंदर रहेगी या मोशन के अंदर रहेगी. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी. कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट नहीं चेंज कर देते. स्टेट का मतलब क्या? उसको रेस्ट से मोशन में नहीं ला देते, मोशन से रेस्ट में नहीं ला देते. मतलब कहने का, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. कब तक? जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करके उसकी स्टेट नहीं चेंज कर देते. ओके, नेक्स्ट है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है. ओके, क्वांटिटी ऑफ मोशन, की मोशन के अंदर कितनी पावर है, पावर ऑफ द मोशन, दैट इज द मोमेंटम. मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी. पी से नोट करते हैं मोमेंटम को, और फार्मूला इसका एम वी है. ओके, मास इंटू वेलोसिटी. तो ये आपने हमेशा याद रखना मोमेंटम का फार्मूला. मोमेंटम मतलब कोई बॉडी जैसे जा रही है उसके अंदर कितनी पावर रहेगी. जैसे मान लो कोई ट्रक है, ट्रक मोशन के अंदर है, बहुत स्पीड के अंदर है, तो उसके अंदर कितनी पावर है कि वो आगे उसके कोई दूसरी कोई व्हीकल आता है, वो कुछ उसकी डिस्ट्रक्शन कितनी होगी, तबाही कितनी मचाएगा, वो डिपेंड करेगा ट्रक के मास के ऊपर और ट्रक की वेलोसिटी के ऊपर. ओके, तो उसके पावर ऑफ मोशन उसका हम लगा लेंगे, मोमेंटम उसके अंदर कितना निकालेंगे. जैसे मान लो बहुत ज्यादा उसका मास है, बहुत ज्यादा वो वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई और ज्यादा हो जाएगा, तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा. मान लो कोई साइकिल है, साइकिल का मास भी कम होता है, वेलोसिटी भी कम होती है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कम वैल्यू आएगी, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी कम आएगा. मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, ये दोनों मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. ये देखो, मास स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर, देयरफॉर मोमेंटम इज वेक्टर, तो वो भी वेक्टर हो जाएगी मोमेंटम. इट हैज द सेम डायरेक्शन इज द डायरेक्शन वेलोसिटी. और मोमेंटम का डायरेक्शन वही रहेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. मोमेंटम इज मेजर इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के अंदर उसको मेजर करते हैं. तो ये आज आपके कॉन्सेप्ट थे, आपने इसको रिवाइज करना अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर, रिटर्न रिविजन करनी है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.